जब सुना कि श्याम प्रभु का दरबार है तो फरमाइश चालू हो गई कि बहुत दिनों का रुका हुआ काम आज बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे और हमारा पूरा हो जाएगा। तो वह भगत अपने घर से चल दिया और जब दरबार में पहुंचा, जाते जाते कहने लगा इस भीड़ अपार को देख करके कि आज तो कुछ और ही बड़ा मांगना चाहिए। मन में लालच आ गया कि इतने भक्त मेरे बाबा के दरबार में तो जरूर कोई ना कोई करिश्मा होगा। जब दरबार में आया, आते आते और जब बाबा के आंखों से आंखें मिली तो हाथ जोड़ करके सिलेंडर हो गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुनिया को फेंका सकता हूं, मैं सारे जगत को चला सकता हूं, लेकिन आपको नहीं चला सकता क्योंकि आप सारे जगत को चलाते हो। कह दीजिए श्याम प्यारे की, कहिए लखदातार की, बलहारे के सहारे की। दादार है। और भैया जो हमारे कीबोर्ड वाले हैं उनको भी निभा लो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि म्यूजिक हर जगह ठीक मिलता है, तो इस वजह से रखना पड़ता है। कह दीजिए सच्चे दरबार की, क्योंकि बिरादरी एक ही है हमारी और आपकी। कह दीजिए सच्चे दरबार की, क्योंकि एक कलाकारी बिरादरी एक ऐसी है जिसमें हर इंसान का अधिकार होता है। कह दीजिए हमारा भी अधिकार आप सभी पे होता है, क्योंकि कहते हैं कि पब्लिक ही स्टार बना देती है और पब्लिक ही नीचे गिरा देती है। तो आइए, अगर आप खुश तो हम भी खुश, अगर आप दुखी तो हम भी दुखी। तो आइए, मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा साउंड कम है लेकिन कॉपरेट वो भी कर रहे हैं और कॉपरेट मैं भी कर रहा हूं और कॉपरेट आप भी कर रहे हैं। तो आइए, तभी परिवार चलता है। कहते हैं कि असली मुखिया वही होता है जब बिगड़े हालात में अपने परिवार को उठा करके ले जाए, वो असली मुखिया होता है। और वो असली मुखिया नहीं होता कि जब परिवार में कोई परेशानी होती है और बिगड़ते हुए काम को बिगाड़ देता है, वो पड़ोसी नहीं होता, वो परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो आइएगा, कह दीजिए श्याम प्यारे की, कहीं लगातार इसके दरबार में मुस्कुरा करके जयकारा लगाओगे। देखिए, रोने के लिए तो सब दुनिया आती है, कोई ऐसा भी होना चाहिए जो हंस करके मांगे, ताकि इसको लगे कि वाकई में दुख तो है लेकिन कहना नहीं चाह रहा। तो उस प्रेमी की सबसे पहले सुनवाई होती है। जरा मुस्कुरा करके कह दीजिए बोल हारे के सहारे की, बोल लखदातार की। तो कैसे कैसे भक्त सुनिएगा। सी, मैं सोचता कुछ और हूं पर मांगता कुछ और हूं। डिमांड बढ़ गई, डिमांड सोच के आया कि मैं तो मारुति 800 मांगूंगा, और धीरे धीरे उंगली पकड़ी कहने लगा बाबा लाल फरारी चाहिए मुझे। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं अगर आपको समझ आ जाए। एक बाबा का बहुत बड़ा प्रेमी था और कहने लगा कि बाबा कुछ ऐसा कर दे कि 6 महीने में एक बार तेरी 1100 आऊं और धोख लगाऊं। बाबा ने कहा कि ले ततास्तु, ले बेटे तेरी मनोकामना पूर्ण। फिर कहने लगा कि बाबा एक छोटा सा काम और कर दे। बोले क्या? एक बड़ा सा घर दे दे। बाबा ने वो भी दे दिया। फिर कहने लगा कि बाबा एक छोटा सा और काम कर दे। बोले बोल। बोले ये जो गैरेज है ना, ये 2-3 दुकानों का गैरेज है, अगर ये मेरे नाम हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। बाबा ने वो भी कर दिया। फिर कहने लगा कि बाबा एक मनोकामना और पूर्ण कर दे कि मेरा घर बसा दे। वह भी पूर्ति कर दी बाबा ने। बोल सच्चे दरबार की, दरबार की। और जब बाबा की बारी आई, जब बड़ी 11 आई, तो भगत तो बाबा बोले हो हाँ भाई 11 में आना, तेरे वादे पूरे हो गए। जब न्यू कहने लगे ना बाबा एक बात बताऊं, देखो दीपावली का धोरे आ रहा है और ग्राहक बहुत ज्यादा है, दुकानदारी देखो तेरे धोरे आऊं। तो बाबा कहने लगे चपेट गया, मैं दुनिया ने चपेटू, तू मुझे चपेट गया।
ऐसे ऐसे भगत भी जावे उसके दरबार में और यूं कहवे नुकर देना हो तो दे दे बाबा। इस भजन के बाद सुनाऊंगा इसको। क्यों ज्यादा तड़फा वैसे ना देना तो साप नाठ क्यों लखदा तार कहा वैसे। ऐसे एंडी एंडी भगत आवे और भी बहुत क्वालिटी बताऊंगा आपको। आइए पहले सुनिए इस भजन को अगर आपको अच्छा लगे तो। आइए भाई जी आनंद लेंगे आज की रात। जिसने आनंद इस दरबार में ले लिया उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे ये मेरा विश्वास है। एक बारी कह दीजिए श्याम प्यारे की कहीं लखदा तार की। आइएगा मैं सोचता कुछ और हूं पर मांगता कुछ और हूं। अपनी नजरों में चोर हूं तेरे सामने कुछ और हूं। कहने लगा कि तुम्हारे सामने मैं और हूं। बिल्कुल साइलेंट हूं मैं अटेंशन हूं बाबा लेकिन दुनिया के साथ मैंने बहुत बहुत बुरा किया है। तो आइएगा मीठी मीठी तालियों के साथ और मेरे साथ गाइए। मैं सच बता रहा हूं आपको इस भजन को गाने से जो भी आपके दिल में जो लोभ होगा वो कभी जीवन में लोभ आएगा नहीं। वो लोभ मदहोश ये सारी चीज खत्म हो जाएंगी। तो आइए मिलकर के मेरे साथ गाइए और गाइए। मैं सोचता कुछ और हूं पर मांगता कुछ और हूं। कुछ नहीं मिलेगा घर तो रहना ही रहना और यहां रुक गए तो हो सकता है कि कैसे क्या ले जाओ। जरा दोनों हाथ उठा करके अच्छा होता है जब साथ होता है। अच्छा होता है जब साथ होता है। आंखें हंसती है दिल ना रोता है। आंखें हंसती है दिल ना रोता है। सोचता हूं मैं ये कैसे हो सावरा मेरा मीत है। मेरा सावरा मेरा मीत है। दिन से ही मेरी जीत है। सावरा मेरा मीत है। दिन से ही मेरी जीत है। अपनी नजरों में चोर हूँ। अपनी नजरों में चोर हूँ। तेरे सामने
ये जो मैं अंतर पढ़ रहा हूँ ये उन पड़ोसियों के लिए पढ़ रहा हूँ जो कहते हैं कि भाई इतना पैसा कहाँ से लेके आए हो। लोग कहते जरूर हैं लेकिन सोचते नहीं कि वो कितनी भक्ति भाव करता है उस पे। बाबा की असीम कृपा है, भगवान की असीम कृपा है, सुनिएगा। लोग कहते हैं चुप ना रहते हैं, कुछ श्याम बाबा की भी लिस्ट में ऐसे भी भक्त हैं जिन पे वो गौर करते हैं और कैसे करते हैं। हो कर श्याम जिन पे गौर है वो श्याम प्रेमी और है, जिनको कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसा देव है जो दूर से ही इच्छा पूर्ण कर देता है, मन की जान लेता है। तो आइए जरा दोनों हाथ उठा करके मेरे बाबा को समर्पित कीजिए ये दोनों लाइन। कर श्याम जिन पे गौर है वो श्याम प्रेमी और है, कर श्याम जिन पे गौर है वो श्याम प्रेमी और है, अपनी नजरों में चोर हूँ, अपनी नजरों में चोर हूँ, तेरे सामने कुछ और हूँ, मैं सोचता कुछ और हूँ, पर मांगता कुछ और हूँ। ऐसे भी भक्त हैं कि जब दुख होता है तो याद करते हैं और जब सुख की घड़ी शुरू हो जाती है, आनंद ही आनंद होते हैं, तो भूल जाते हैं कि कौन भगवान और किससे क्या मांगा। सुनिएगा उनके लिए भी कह रहा हूं। दुख में हम सब ने इसको भुलाया है, दुख में हम सब ने इसको भुलाया है, सुख में क्यों हमने इसको भुलाया, श्याम ही सरकार है, मेरा श्याम
चार अच्छे लगे हों तो उस कवि के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये